अस्सलाम वालेकुम, हियर इज योर टीचर मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी जो वीडियो है, फॉर एग्जांपल उसमें अगर कोई ऑडियो लगाना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, और ऑडियो लगाने के साथ साथ हम उसको यानी कि उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, ये याद रखिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑडियो लगा रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से भी क्लियर कर सकते हैं। और याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, एक सॉरी थ्री वेज हैं इसके जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नंबर एक, हम ऑडियो सिंपल जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम जो है वो अपना कोई सॉन्ग वगैरह है या कुछ भी यानी कि ऐसा लगाना चाहते हैं, कोई नात है तो वो भी ऑब्वियसली हम लगा सकते हैं। अब इसमें दूसरा वे जो है, हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अगर हम ऑडियो क्लियर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं अपने सिंपल मोबाइल से, तो ये वाला जो मेथड है, ये वाले भी मैं इसकी एक्स्ट्रा से वीडियो बना दूंगा जो कि आप देख सकते हैं उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में, और अगर हम पर्सनल मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है वहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं ये भी आपको वीडियो दे दूंगा और यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा, इस वीडियो में मैं लिंक भी उसका दे दूंगा और आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम उस वीडियो को क्लियर रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसमें नॉइज़ ना हो। और अगर थर्ड वे, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यानी कि रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और हमारी जो रिकॉर्डिंग है, जो हमारा मकसद है वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें नॉइज़ आ रहा होता है, पंखे का शोर आ रहा होता है या कोई भी हमारी यानी कि लाइट साउंड्स जो आ रही होती हैं, तो उसको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इसमें मैं बताऊंगा आपको इस ऑडियो में कि हम इसको यानी कि फिल्मोरा 9 में हम इस ऑडियो को कैसे कर सकते हैं। और उसमें एक चीज़ और, अगर हमारी वॉइस कम है तो हम उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप की स्क्रीन जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑडियो से रेलेवेंट है, जिसमें हम इंशाल्लाह यानी कि ऑडियो को वीडियो के साथ हम ऑडियो कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद है डिटैच ऑडियो। डिटैच ऑडियो से मुराद ये होता है कि आपकी जो वीडियो में ही ऑडियो लगी होती है उसको आप अलहदा से कैसे कर सकते हैं और अलहदा से आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यानी कि मैं बताने वाला हूँ आपको कि हम इसमें अगर कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे हम यानी कि लगा सकते हैं, और उसमें जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम म्यूज़िक यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुन रहे होते हैं तो वो वॉइस के साथ ही यानी कि हमारा जो है वो कम या ज़्यादा यानी कि स्लो या ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसकी रीज़न भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और वो मैं तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि वो हम किस तरह कर सकते हैं स्लो या फास्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये मैंने ट्रैक की जो हाइट है वो कम की हुई है, आप देख सकते हैं उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ताकि आपके लिए यानी कि जो है वो मसला बासानी समझाया जा सके। अभी यहाँ पे आप देख सकती हैं, मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो इसके अंदर ही हमारी ऑडियो है। तो ऑडियो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वीडियो इसके साथ ही ऑडियो यूज़ करनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम इसको सिंपली डिलीट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको जो है हम वो वाली फाइल लेके आते हैं जो कि जिसमें हमने दोनों में ऑडियो यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाली फ़ाइल है, ये दो फाइल्स हम लेके आते हैं, और ये वाली जो है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो है ये दो फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, ये ऑडियो है, ये मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये हमारी वीडियो है, इसमें ऑडियो नहीं है। ठीक है, लेट यू कैन सी, ये जो फाइल है हमारी इसमें ये आ गई है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो है हमारी वॉइस नहीं है जी, ये आप सुन सकते हैं आपके सामने ये कोई वॉइस नहीं है। अब इस चीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि हम अगर ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं तो हम ऑडियो जो है सिंपली नीचे वाले ट्रैक पे ला कर रख देंगे, तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी यहाँ से जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी वॉइस यहाँ तक आई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हम ऑडियो को जो है यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने ये सीजर्स के साथ कट लगाना है,
कट लगाने के बाद इस वाले हिस्से को, फॉर एग्जांपल जिसको भी आप यानी कि डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उस वाले हिस्से को आपने सेलेक्ट करना है और सिंपली जो है डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो ओके हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हम डिलीट कर रहे हैं तो ये जो वॉइस है ये हमारी बैक पे चली गई है, तो अभी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें अभी हमारे पास जो वॉइस आई है इसमें यानी कि कोई इशू नहीं है, हमारा जो है वो प्रॉपरली यानी कि वॉइस से स्टार्ट हो गई है जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट हुई है। अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैंने आपको ऑडियो नॉइज़ के बारे में यानी कि बैकग्राउंड ऑडियो नॉइज़ जो है वो हम कैसे यानी कि वो कम कर सकते हैं, तो वो तो मैंने आपको प्रॉपरली यानी कि क्लास दे दी है, लेकिन जहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस ऑडियो को बढ़ा कैसे कर सकते हैं। ये सिंपली सा अगर हमारे पास शार्ट टाइम है तो हम यहाँ पे ये हैंड आप देख सकते हैं, और ये वाला जो है ये लाइन जो आपको शो हो रही है, ठीक है, आपने इस पर सिंपली यानी कि आप ऐसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके इसको सिंपली ऊपर कर देंगे। तो अभी मैं पहले आपको इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं इसको सिंपली आपको वॉइस सुनाता हूँ। अभी यहाँ से ही हम इसको थोड़ा सा यानी कि ऊपर कर देते हैं, अभी आपको क्लियर सी वॉइस होगी। ये देखिए कितनी सारी वॉइस में तब्दीली आ गई है। अभी ये था हमारा यानी कि ऑडियो को अटैच करना, ये सिंपल सा यानी कि तरीका था कि हम वीडियो ट्रैक जो है वीडियो है वो हम वीडियो ट्रैक में लगा देंगे और जो ऑडियो है वो ऑडियो ट्रैक में लगा देंगे। इसके अलावा अभी हम जो करते हैं वो सिंपली यानी कि इसको डिलीट करते हैं और सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है, और ये वाला हम अपना लेके आते हैं वीडियो जिसमें हम जो है हमारी वॉइस भी इसके साथ ही है और इसको हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है उसको क्रॉप करेंगे यहाँ तक जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी यहाँ पे जो है हमारी वॉइस नेक्स्ट कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पे हमने सिंपली राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटैच ऑडियो, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+D। ये आपके सामने तमाम शॉर्टकट कीज आ रही हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली आपको यानी कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप डिटैच ऑडियो पे क्लिक करें इसको, और ये सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये वाली जो अपना है ऑडियो नीचे हो गई है और ऊपर जो है आपकी वीडियो आ गई है, तो आप इसको ईजिली से मैनेज कर सकते हैं। अभी आपने करना क्या है, अभी आपने यहाँ पे सिंपली जो है हम अलहदा वॉइस को जो है हम इसको यानी कि यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी चाहें जैसे भी चाहें, अगर हम ऊपर वाली वीडियो डिलीट कर दें तो भी कोई इशू नहीं है, हम डिलीट करके किसी और कोई और वीडियो लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। अब ये थी हमारी सिंपल सी चीज़। अभी हमने यानी कि ये देखना है कि हम जो वीडियो फॉर एग्जांपल ऑडियो बैकग्राउंड लगाते हैं हमारी वीडियो के पीछे, यानी कि जो बैकग्राउंड चल रहा होता है और वो स्लो या ज़्यादा हो रहा होता है, फास्ट हो रहा होता है, तो उसमें बड़ी तब्दीली सी आती है, बड़ी लहरें सी पैदा होती हैं, बड़ी अच्छा लगता है, यानी कि जहाँ पे हम खामोश होते हैं वहाँ पे जो है वो वॉइस ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे हम यानी कि बोलना स्टार्ट होते हैं तो वॉइस रिदम में आ जाती है। तो उसका तरीका बताते हैं, यहाँ पे आपने सिंपली ऑडियो पे क्लिक करना है, और ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने है इनेबल टाइमलाइन स्नैप, तो ये वाला आपने क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपके सामने जो है जैसे ही आप इस पे आएंगे ये नेक्स्ट आप इसमें करेंगे एडजस्ट ऑडियो। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्ट ऑडियो, सिंपली आप एडजस्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन हैं जो कि हम यानी कि इससे बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो रिमूव कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, इससे हम अपनी वॉइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो चीज़ है आप ये नीचे देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ऑफ़ है, जैसे ही हम इस टाइमलाइन को ऊपर फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे हम टाइमलाइन को फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखें आपके सामने ये ऑन हो गया है। तो इट मींस ये जो वर्क करता है आपकी जो ऑडियो है ये टाइमलाइन पर डिपेंड करती है। ये जो आपका टाइमलाइन, इसको टाइमलाइन कहते हैं, ये जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ से ही आपकी वॉइस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको ऑन होना ज़रूरी है आप यानी कि अपनी वीडियो पे रखें। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वीडियो है तो आप इस पर क्लिक करें, ये आपके नोड ऐड हो जाएंगे। अब नोड ऐड करना इसमें ज़रूरी क्यों होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे देखें आप इसमें नोड ऐड कर लें, जहाँ पे आपका ये टाइमलाइन होगा वहाँ पर ही आपका नोड ऐड होगा। सिंपली आप ये देख सकते हैं नीचे बहुत इजी से यानी कि क्लिक हो रहा है और हम अपने जो है वो बआसानी काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है यानी कि हम अपनी वॉइस में तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं, कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे आगे हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि एज ऑन सेम ही रहे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ तक कंटिन्यू है और उसके बाद हम जो है खामोश हो गए और हम चाहते हैं कि म्यूज़िक जो है रिदम में आ जाए तो वो ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको क्लियर सी चीज़ देता हूँ। हाँ हम है फेड इन फेड आउट, ये यहाँ से भी हम ऑप्शन कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है हमारा बहुत अच्छे से यानी कि हम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आपकी वीडियो में है। और हम जो है इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखें आप ऐसे इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नोड से करेंगे तो नोड से ही होगी आपकी जो वॉइस है वो ऊपर या नीचे, तो इसमें ऐसा मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली टाइमलाइन को साइड पे कर देते हैं और ये जो है हम नोड के ज़रिए इसको थोड़ा सा यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने सिंपली यानी कि दूसरे जैसे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जिसको क्लिक करेंगे उसी को ही हम ऊपर नीचे यानी कि कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके सामने ये सारा प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इसको नीचे करना चाहते हैं तो नीचे हो जाएगा, यहाँ से ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर हो जाएगा ऑब्वियसली यानी कि बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, ये देखें। और इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो वॉइस है यानी कि प्रॉपर हमारी यहाँ तक जो हम बोल रहे हैं वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हम म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऊपर उठा दें और आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर ये स्ट्रेट हो जाएगी। ये मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ, ये वाली चीज़ है। और इसके ज़रिए आप जो है अपनी म्यूज़िक को ऐसे ही यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी वीडियो में, बहुत ज़्यादा यानी कि आप खूबसूरती लेके आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेके आ सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो है बहुत अच्छे से यानी कि वर्क होगी और उसमें जो है वीडियो बैकग्राउंड नॉइज़ भी क्लियर हो जाएगा। और वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो है ये वाला मैंने आपको यानी कि जो रिदम है उसका वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।